हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका पीसी फीफा 22 मैनेजर करियर मोड में। ये चेल्सी का मैनेजर करियर मोड है दोस्तों, सेकेंड सीजन, चेल्सी करियर मोड का सेकेंड लास्ट एपिसोड। उसके बाद आएगा रोमा, जो सीरिए की टीम है, उस टीम का मैनेजर करियर मोड। सीरिए के काफ़ी सारे टीमों का लाइसेंस फीफा के पास है नहीं, ओरिजिनल फैक, इसलिए उस वक्त दिखाई नहीं देंगे शायद से फीफा में। देखते हैं आगे क्या होता है। पर रोमा का करियर मोड आएगा, जो सीरिए की एक बड़ी टीम है, पर पिछले कुछ सालों से उतार चाहे नहीं, इसलिए प्रीमियर लीग का सेकेंड लास्ट मैच है ये। देखते हैं इस मैच में क्या हो पाएगी। सिटी और चेल्सी दोनों अपने मेन लाइनअप के साथ खेलेगी। अच्छा, हो चुका है चेल्सी अगेंस्ट सिटी। देखते क्या कर पाएगी इस मैच में चेल्सी अपने होम ग्राउंड पे। कॉर्नर के जरिए मौका है सिटी के पास, शॉर्ट कॉर्नर सिटी का, टैकल करने की कोशिश, टैकल फेल। ओ ये क्या शूट आया, जो भी ये प्लेयर है शायद से लाउटारो मार्टिनेज़, हाँ लाउटारो मार्टिनेज़ का शूट आया, अच्छा मौका बना। शुरुआती मिनटों में ही गोल शॉर्ट कॉर्नर के जरिए, ओह बेहतरीन चिप पास और लाउटारो मार्टिनेज़ का हेडर। एंगोलो कांटे कवर कर रहे हुए थे लाउटारो मार्टिनेज़ को, नहीं लाउटारो मार्टिनेज़ को मैथ्यू डी लिश कवर कर रहे हुए थे, कोई नहीं रोक पाया। लाउटारो मार्टिनेज़ 29 मैचेस में 9 गोल मारे हैं, बहुत कम है मैच के हिसाब से। लाउटारो मार्टिनेज़ का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं जितना होना चाहिए था। क्रिस्टियन पुलिसिच के ऊपर टैकल, वो देखते क्या कर पाते सिटी। कांसेलो, जाओ कांसेलो का शूट, पर ब्लॉक हुआ। सेकेंड टाइम में शूट आया स्टर्लिंग का, पर ऑफ टारगेट। बेहतरीन पासिंग रितान जेम्स के लिए एंगोलो कांटे की। देखते क्या कर पाते रितान जेम्स, पास किया लुकाकू, लुकाकू गोल मारने में कामयाब। लुकाकू अच्छा रन, अच्छा पास, और रोमी लुकाकू का बेहतरीन गोल। ओह बेहतरीन पास किया रितान जेम्स ने तीनों सेंट्रल बैक्स के बीच से, और बेहतरीन शूट आया लुकाकू का, बहुत ही बेहतरीन शूट, लेफ्ट फुटेड। 26वां गोल लुकाकू का ये। जूस कोंडे, काय हैवर्ड्स, जोशुआ किमिच, मेसन माउंट, बैक पास, क्रिश्चियन पुलिसिच, क्रिश्चियन पुलिसिच, बेहतरीन शूट, बेहतरीन सेव एमर्सन का, काफ़ी बेहतरीन शूट था, कर्व हुआ काफ़ी कर्व, ओ सेव करने में कामयाब एमर्सन। ओ जीता जेम्स का कॉर्नर, ओह ये क्या, मैथ्यू डी लिट गोल मारने में कामयाब, मैथ्यू डी लिट। जीतान जेम्स का कॉर्नर आया, काफ़ी अच्छा कॉर्नर साबित हुआ ये, मैथ्यू डी लिट का हेडर, और एमर्सन के ऊपर से चला गया बॉल, रोक नहीं पाए एमर्सन। ओहो अच्छा मौका था, शायद से डियास से कंट्रोल कर रहे थे डिलीट को, पर कंट्रोल कर नहीं पाए रूबन डियास, जो भी हो अच्छा मौका बना, अच्छा गोल मैथ्यू डिलीट का। अब कॉर्नर, टर्निंग का कॉर्नर, इस कॉर्नर के जरिए क्या कर पाएगी, क्लियरेंस करेगी कोशिश, ओह ये क्या बच गई है चेल्सी, काउंटर रन रितान जेम्स। देखते क्या कर पाएंगे रितान जेम्स, हाँ काफ़ी अच्छा मौका बन सकता है लुकाकू के लिए, पास लुकाकू पहुंच नहीं पाए, अच्छा मौका था काउंटर रन का। एंगोलो कांटे, का है वर्ड्स, लुकाकू, लुकाकू ने फिर एक बार बॉल को निकाला, अच्छा मौका लुकाकू के पास, शूट लुकाकू, सेकेंड गोल इस मैच का। बेहतरीन गोल स्कोरिंग एबिलिटी रखी है इस सीजन लुकाकू ने प्रीमियर लीग में। ओह काफ़ी अच्छी से बॉल को निकाला, तीनों सेंट्रल बैक को छकाया, एमर्सन के एकदम पास से गोल मारा, बहुत ज़्यादा पास आ गए थे लुकाकू, और लास्ट मोमेंट पे गोल मारा, एमर्सन को मौका नहीं मिला सेव करने का। फर्स्ट हाफ के एंडिंग मोमेंट्स पे फ्री किक मिली है सिटी को, शूट आया पर उतना अच्छा रहा नहीं, ओ ये क्या हुआ, बच गया चेल्सी। फर्स्ट हाफ में चेल्सी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, देखते सेकेंड हाफ में क्या कर पाएगी चेल्सी अब। ओह काफ़ी अच्छा ड्रिबल क्रिश्चियन पुलिसिच, क्रिश्चियन पुलिसिच, देखते क्या होता है, आगे निकलने की कोशिश क्रिश्चियन पुलिसिच, ओह मेसन माउंट, ये क्या जोशुआ किमिच को पास मिला, सेव किया एमर्सन ने किस तरह से, मुझे लगा जोशुआ किमिच ऑफ साइड हो जाएंगे। एंगोलो कांटे का पास काफ़ी अच्छा रहा,
और रितान जेम्स के लिए पास ब्लॉक हुआ। अच्छा मौका बन सकता था रितान जेम्स के लिए। सिटी क्या कर पाएगी अब? लाउटारो मार्टिनेज, ओह गुड, रोड्री काफ़ी आगे आ चुके। रोड्री इसे क्या कर पाते हैं? रोड्री ओह बेहतरीन ड्रिबल। क्रिस्टेंसन कवर करने की कोशिश, कोई कवर नहीं कर पा रहा। ओह काफ़ी अच्छी पासिंग है, ब्लॉक करने की कोशिश। ओह ये क्या, स्टर्लिंग, स्टर्लिंग क्रॉस किया स्टर्लिंग है, सीधा एडवर्ड मेंडी आगे बीच में। मैच डिलीट। लुकाकू, क्रिश्चियन पुलिसिच, देखते क्या होता है। पास आया, ओ नहीं ये क्या, मेसन माउंट ने मिस कर दिया। अच्छा मौका बना था, काफ़ी अच्छा काउंटर रन जैसा अटैक था ये। काउंटर रन तो नहीं था पर अटैक काफ़ी अच्छा था। ओहो ये क्या, मैथ्यू डिलीट ब्लॉक नहीं कर पाई इस बार। क्रिश्चियनसन ने अच्छा ब्लॉक किया। ओ काफ़ी अच्छा पास स्टर्लिंग के लिए, स्टर्लिंग ब्लॉक आया, काफ़ी बेहतरीन ब्लॉक। देखते अब क्या होता है। लुकाकू, लुकाकू बॉल को निकाल नहीं पाए पर अच्छा मौका बन सकता है। लुकाकू, लुकाकू हैट्रिक की ओर, लुकाकू की हैट्रिक कंप्लीट हुई। लुकाकू लास्ट मैच है लगभग ये लुकाकू का, हैट्रिक मारने में कामयाब हुए लुकाकू लास्ट मैच में लगभग, क्योंकि इसके बाद वाली मैच में सेकेंडरी लाइनअप के साथ उतरेगी चलती। पर ये मैच काफ़ी अच्छा रहा लुकाकू के लिए, हैट्रिक हीरो रोमेलो लुकाकू। लुकाकू की काफ़ी अच्छी हैट्रिक लास्ट मिनट में, एक्स्ट्रा टाइम भी कम्प्लीट हो गया था लगभग। 4-1 से ये मैच जीता है चेल्सी ने। रोमेलो लुकाकू टोटल अटेम्प्ट 3, गोल भी 3, हर एक अटेम्प्ट में गोल मारा है लुकाकू ने। बेहतरीन लुकाकू का ये परफॉर्मेंस। टॉप गोल स्कोरर है रोमेलो लुकाकू और उसके बाद है रहीम स्टर्लिंग। ये मैच लास्ट मैच है प्रीमियर लीग का, इस लास्ट मैच में क्या कर पाती है चेल्सी अपने सेकेंडरी लाइनअप के साथ। वॉटफोर्ड ये टीम है 14वीं पोजीशन पे, देखते क्या होता है इस मैच में, जीत पाती है नहीं चेल्सी सेकेंडरी लाइनअप के साथ। मैच चालू हो चुका है चेल्सी अगेंस्ट वॉटफोर्ड, वॉटफोर्ड के होम ग्राउंड पे, देखते क्या होता है। साउल हाकिम दियाज बेहतरीन पास, क्या ले मर्सन लुई ओडोई, देखते क्या कर पाती है ओडोई, काफ़ी अच्छा ड्रिबल। जॉनथन डावी शूट किया, जॉनथन डावी ने काफ़ी अच्छा ब्लॉक, फिर एक बार मौका जॉनथन डावी, कमाडा कमाडा शूट, बेहतरीन गोल शुरुआती मोमेंट्स में ही कमाडा का, या साउल थे, हाँ कमाडा ही थे। ओह काफ़ी अच्छा ब्लॉक था जॉनथन डावी का, पास आया जॉनथन डावी का पास, बेहतरीन गोल कमाडा, काफ़ी अच्छा गोल था राइट फुटेड। डैनी कमाडा 18 मैचेस में 7 गोल मार चुके कमाडा। रूडीगर पास काफ़ी अच्छा था कैलेमर्सन ओडोई के लिए, देखते ओडोई क्या कर पाते हैं। जॉनथन डावी अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये क्या गड़बड़ कर दी जॉनथन डावी ने, कंट्रोल कर नहीं पाए बाद में हर्सन ओडोई। अब मौका बन सकता है, ओ ये क्या अच्छा पास, देखते कौन क्या कर पाता है। ओह हो अच्छा मौका बन सकता है, ओह ब्लॉक करने में कामयाब, जाकर सेव करने में कामयाब। ओ नाइस, ओहो ये क्या गोल आया, अच्छा मौका बना था, फर्स्ट टाइम पे ब्लॉक हुआ, फिर सेकेंड टाइम में शूट मारा, जो भी है प्लेयर है अच्छा से गोल, क्विक फॉरवर्ड प्लेयर है जो भी है। फर्स्ट हाफ में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, देखते सेकेंड हाफ में क्या कर पाएगी चेल्सी और वॉटफोर्ड। साउल बेहतरीन पास, जॉनथन डावी, हकीम रियाज, जॉनथन डावी, चाले मर्सनडोई, अच्छी पासिंग है, देखते चाले मर्सनडोई, हकीम रियाज, हकीम रियाज शूट, हकीम रियाज गोल, अच्छा मौका बना रियाज के लिए और बेहतरीन गोल हकीम रियाज का, एक अच्छा पास बना चाले मर्सनडोई का हकीम रियाज के लिए और बेहतरीन शूट राइट फुटेड शूट ओडोई हकीम रियाज की ओर से राइट फुटेड शूट आया, बहुत ही अच्छा शूट था ये। ओहो रोक नहीं पाए गोलकीपर वॉटफोर्ड के, 7वां गोल ये रियाज का 19 मैचेस में। थ्रो इन के जरिए मौका है, देखते क्या कर पाएगी वॉटफोर्ड, इस थ्रो इन के जरिए ब्लॉक हुआ जोर्गिनियो का ब्लॉक, कमाडा रियाज, ओह ब्लॉक किया रियाज का पास, देखते अब क्या होता है। डेमिस, ओह ये क्या ही क्या हुआ, अच्छा मौका बनता है क्रॉस करने का, क्रॉस आया सीधा
एडवर्ड मेंडी के हाथों में। कॉर्नर के जरिए मौका है, सार लेंगे ये कॉर्नर। इसे क्या होता है, इस कॉर्नर के जरिए क्लियरेंस करी की कोशिश, क्लियरेंस नहीं आया, सीधा एडवर्ड मेंडी के हाथों में आया। मगर मलोन सार काउंटर रन जो भी है, चिलविल जॉनसन डावी देखते, जॉनसन डावी क्या कर पाएंगे। अच्छा ड्रिबल जॉनसन डावी का, शूट, ओ ये क्या, ओ नहीं, सेकेंड टाइम बेल किक शूट चिलविल का, तीन शूट आए, तीनों बार सेव किया गोलकीपर ने, फर्स्ट टाइम फिर सेकेंड टाइम ब्लॉक हुआ और थर्ड टाइम में बेल किक शूट आया, पर इस बार सेव किया। काफ़ी अच्छे तीन मौके बने, लास्ट टाइम पे अटैक बनाया, देखते क्या होता है, वो शूट आया, एडवर्ड मेंडी, एडवर्ड मेंडी ने सेव कर दिया लास्ट टाइम पे। देखते अब क्या कर पाते, सेमी का कॉर्नर सीधा एडवर्ड मेंडी के हाथों में गया। इसी के साथ प्रीमियर लीग की चैंपियन भी बन चुकी है, पर ट्रॉफी सेलिब्रेशन नहीं दिखाया गया इस मैच में, क्यों तो क्यों हुआ मालूम नहीं, पर ट्रॉफी सेलिब्रेशन नहीं दिखाया इस बार। जीत चुकी है चेल्सी प्रीमियर लीग को भी, ये प्रीमियर लीग का लास्ट एपिसोड था, इसके बाद आएगा यूसीएल का एपिसोड। देखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो में गलती को माफ़ कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय दोस्तों।